नवरात्र का आठवां दिन बाड़ी माता परम धाम। आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता रानी के आज के श्रृंगार दर्शन के पश्चात हम सुनेंगे माता रानी की एक छोटी सी कहानी हिमांशी दी की आवाज में। इस मंदिर में होते हैं अनेकों चमत्कार। माता रानी श्रद्धालुओं को देती है उनके प्रश्नों का जवाब। राजस्थान के अजमेर जिले के विजयनगर का बाड़ी माता का मंदिर दैवीय आस्था का अनूठा केंद्र है, जहां कहते हैं कि पाती के जरिए माता अपने भक्त की हर मुराद पूरी करती है। कुछ इसी तरह की कहानी आज हम आप सभी को बताने जा रही है। दरअसल कहानी चुन्नीलाल नाम की है, जो अजमेर जिले के विजयनगर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वाणिज्य के व्याख्याता थे और जाति से टाक देवी दुर्गा के उपासक थे। वे सादगी से जीवन जीते और छात्रों को पढ़ाते थे। बताया जाता है कि विजयनगर में सालों से मौजूद बाड़ी माता के मंदिर के पुजारी को एक दिन सपना आया कि चुन्नीलाल टांग को बुलाओ और उससे कहो कि फूल पाती के जरिए मुझसे प्रश्न पूछे। टांग मंदिर पहुंचे और माता की मूर्ति से अंग्रेजी में पाती लिखकर प्रश्न पूछा। उनको लगा कि माता क्या अंग्रेजी शब्द में उत्तर दे पाएंगी। उसी रात सपने में माता ने उन्हें जवाब दिए और ये भी कहा कि अंग्रेजी मैंने ही तुम्हें सिखाई है। इस घटना के बाद 1970 को एक दिन टाक ने स्वयं को विजयनगर से 4 किलोमीटर दूर बाड़ी माता मंदिर के प्रांगण में पड़ा पाया, जबकि वे वहां गए ही नहीं थे। इसके पश्चात टाक माता के मंदिर को वे समर्पित हो गए और उन्होंने पैंट शर्ट और जूते चप्पल पहनना त्याग दिया तथा धोती कुर्ता और नंगे पैर रहना ही उनकी पहचान हो गई। इसी वेश में वे छात्रों को पढ़ाने विद्यालय भी जाते थे। बस यहीं से बाड़ी माता मंदिर की ख्याति चारों ओर फैल गई। वे आज दुनिया में नहीं है, किंतु उनके द्वारा स्थापित भक्ति के मानकों ने बाड़ी माता मंदिर को धाम बना दिया। मंदिर भव्य बना और गौशाला भी स्थापित हुई। माता मंदिर की विशेषता है फूल पाती के माध्यम से माता की मूर्ति तक अपनी बात पहुंचाना। चमत्कार ऐसा ही कुछ ही देर में पाती पर आपके लिखे प्रश्नों के हल का जवाब मूर्ति पर लगे सिंदूर से गिरे अंश के जरिए आपको मिल जाएगा। जवाब उन्हें भी यहां से मिला है जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। बताया जाता है कि मंदिर में चमत्कार ऐसे हैं, जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे बी.एल. मरड़िया,
समाज सेवी हगामी लाल शर्मा, लालचंद पोखरना, पूर्व केंद्रीय मंत्री सामल लाल जाट के साथ ऐसा ही हुआ। जो मुराद की वो उन्हें प्राप्त हुई, चाहे वो रोगी ही क्यों ना हो। माता की विलक्षण पाती से उत्तर श्रद्धालु के चक्षु खोल देता है। राजस्थान में देवी का यही शायद एकमात्र मंदिर है, जहां नवरात्रा की अष्टमी को महिषासुर मर्दर का दहन होता है, साथ ही शरद पूर्णिमा को सर्व रोगनाशक खीर श्रद्धालुओं को दी जाती है। राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से नवरात्रा में विशेष तौर पर श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए बाड़ी माता आती है और अपनी आंखों से देखते हैं माता की महिमा। धन्यवाद हिमांशी जी, आपके सहयोग से ये संपन्न हो पाया। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय माता दी, जय बाड़ी माता।